Hello all. Today it's my fourth day going through this COVID, and I don't know whether I would come home or not because अभी तक मुझे इसके कोई symptoms दिखाई नहीं दे रहे हैं. But फिर भी मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि मैं किसी एक की भी जान बचा सकूँ. तो ये मेरे लिए प्राउड, मुझे अपने आप में प्राउड फील होगा कि मैंने मेरे इंडिया के लिए कुछ किया है. तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपको आज ये बताने वाली हूँ कि हमारी दिनचर्या क्या है और हमें क्या क्या ट्रीटमेंट मिल रहे हैं और कैसे हम कोरोना वायरस को हरा सकते हैं. इसके पहले हमें ये जानना होगा कि हमें कोरोना वायरस किस किस चीज़ से होने का डर है. जैसे कि जब भी आप कचरा डालने जाएं, तो आप पहले अपने हैंड को सैनिटाइज करें, ग्लव्स पहने, मास्क पहने, उसके बाद ही जाएं. और जब भी कचरा डालकर आएं, तो या तो अपने हाथ को सैनिटाइज करें या बेटर होगा आप ना ही लें. क्योंकि बस मेन डर यही है कि जैसे कि आप दूध लेते हैं, पेपर लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, जो भी अपने रोज दैनिक चीज़ें हैं जो कि अपने को बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, उन सब चीज़ों को लेने के पहले आप अपने हाथ को सैनिटाइज करें, ग्लव्स पहन के रखें, मास्क लगा के जाएं, तो आप सेफ हैं. उसके लक्षण दिखाई नहीं देते, फिर भी कभी आपको ऐसा लगता है कि मुझे सर्दी है, खांसी है, गले में खराश है, बुखार है, वीकनेस है या सर दुख रहा है, तो इसके इलाज के लिए कोई मेडिसिन नहीं है. आपको इलाज घरेलू नुस्खों से ही करना है जो कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं. फुल टाइम गर्म पानी पीजिए. इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सुबह सुबह गर्म पानी में नींबू डाल के पी सकते हैं. वो आपके लिए बहुत अच्छा है, उससे इम्यूनिटी पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है. आप हर रात सोने से पहले एक कप दूध में हल्दी मिला के पीजिए और वो आपके लिए बहुत अच्छा है. प्राणायाम करें जिसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, उज्जयी प्राणायाम, ये आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा है. मीन्स इससे लंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. उसके अलावा आप भाप लें, मास्क पहने, ग्लव्स पहने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें. यहाँ पे भी हमको यही सब करवाया जा रहा है. WHO ने भी ये स्पष्ट किया है कि अब हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, हमें उसके साथ ही जीना होगा, क्योंकि ये एक महामारी है जो कि 80-90% लोगों को होगी. पर अगर आप खुद से प्रण नहीं लेंगे तो इससे जीना, मतलब इसके साथ जीना या इससे बचना बहुत मुश्किल है. इसका डर ज़्यादा सता रहा है, रोग इतना नहीं सताता है. करना कुछ भी नहीं है. जैसे अभी भी तो हम घर में ही रह रहे हैं, तो अगर इंदौर का क्या, मैं बोलती हूँ इंडिया का एक एक व्यक्ति ये प्रण ले ले कि हम अगले एक महीने तक कहीं बाहर नहीं जाएंगे, फल सब्जी फ्रूट्स ये हम एक महीने बाद भी खा सकते हैं, मीन्स अभी जो ज़रूरतमंद सामान है जिससे हम हमारा घर चला सकते हैं आसानी से, जैसे दाल रोटी भी खा सकते हैं. अगर एक महीना आपने ऐसा कर लिया तो हो सकता है कि अगले एक महीना, मीन्स ये एक महीना ऐसा कर लिया तो अगले एक महीने में हमको वापस बाहर जाने को मिले. अगर हमारे घर से एक भी व्यक्ति घर के बाहर जा रहा है तो वो हमारे पूरे परिवार के लिए कोरोना घर ला रहा है. इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया घर के बाहर ना निकले और अपने घर के बड़े बुजुर्ग लोगों का ध्यान रखें, क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जिसके कारण संक्रमण फैलने के चांसेस होते हैं. संक्रमण कहीं से भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, इसलिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है. और इसके कारण कहीं पुलिस वाले, डॉक्टर्स सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं अपने परिवार से दूर, अपने बच्चों से दूर, इसलिए और उनकी डेथ भी हो रही है जिसके हम जिम्मेदार हैं, और ये हमारे देश के लिए बहुत ही गलत है. इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए. मुझे नहीं पता है कि मुझे किस लेवल का कोरोना है और वो ठीक होगा या नहीं, बट या मैं ये चाहती हूँ कि मेरे इस वीडियो के बाद एक भी कोरोना का पेशेंट मिले ही ना. वन थिंग आई मस्ट से हियर, नर्सिंग स्टाफ एंड वर्किंग स्टाफ आर वेरी 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 वेल डन. मीन्स दे आर डूइंग देयर जॉब वेरी नाइसली एंड आई मस्ट अप्रिशिएट देम कि वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं. हमें यहाँ किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आ रही है सिवाय एक चीज़ की, और वो है कोरोना. और इसके लिए आप अपनी ज़िंदगी में ये तीन चीज़ों को अपनी बॉडी का हिस्सा बना लीजिए. वो है मास्क,
ग्लोव और सैनिटाइज़र। आप अपना अचीवमेंट इसमें ना समझें कि आपने कोई डिश बनाई है, जुगाड़ करके बनाई है, सबसे अलग बनाई है। आप अपना अचीवमेंट इसमें समझें कि आप कोरोना नेगेटिव है। अगर कोई व्यक्ति कोरोना से ठीक होकर जा रहा है तो उसके साथ दुर्व्यवहार ना करें। वह भी एक इंसान है, आपके अपने हैं, और यह एक बीमारी है। ये किसी को भी हो सकती है, ये आपको भी हो सकती है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि सबके साथ अपनों जैसे रहें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करिए, उन सभी से शेयर करिए जिन्हें आप बचाना चाहते हैं और जिन्हें आप प्यार करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप पीएम केयर फंड में भी अपना कुछ अमाउंट डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर रही है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम थोड़ा बहुत सरकार के लिए करें। इट्स ऑल अप टू यू। थैंक यू सो मच। हैव अ सेफ लाइफ।